कल्याण में डॉक्टर के खिलाफ सड़कों पर कैंडल मार्च कर नारेबाजी करने वालों पर हो कानूनी कार्रवाई, इसी मांग को लेकर कल्याण पूर्व के सभी डॉक्टरों ने कामकाज बंद रखा और पुलिस को निवेदन दिया गया। कल्याण पूर्व के काटे माने वाली परिसर में डॉक्टर नितिन कोकरे द्वारा संचालित साईं विनीत हॉस्पिटल में पिछले महीने के अक्टूबर की 6 तारीख को सृष्टि सोनवने नामक बच्ची का इलाज के लिए लाया गया था। उस समय डॉक्टर ने सृष्टि का दवा उपचार कर घर भेज दिया था, लेकिन 4 दिनों तक बुखार कम नहीं होने के चलते सृष्टि के माता पिता ने उसे फिर से 10 तारीख को हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन बुखार ज्यादा होने से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची को डेंगू हुआ है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस मामले में सृष्टि के परिजनों ने साईं विनीत हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन कोकरे को दोषी ठहराते हुए कोल सेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गए थे कि डॉक्टर की लापरवाही से हमारी बच्ची की मौत हुई है। यहां तक हॉस्पिटल ने हमसे इलाज के 40,000 रुपए भी वसूल किए हैं। इस तरह के आरोप सोनवने परिवार ने डॉक्टर नितिन कोकरे पर लगाए हैं, लेकिन मामला डॉक्टर से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने जांच की बात कही और दोषी पाए जाने पर डॉक्टर पर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा पुलिस ने बच्चे के परिजनों को आश्वासन दिया था। बता दें कि पूरे मामले में 20 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं होता देख अचानक परिजनों ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 2 नवंबर को शहर में कैंडल मार्च किया, जिसमें डॉक्टरों के विरोध में घोषणाबाजी और उनके नाम के साथ नारे लगाए गए और कैंडल मार्च पुलिस थाने के अंदर समाप्त कर पुलिस को निवेदन दिया गया। यही बात डॉक्टरों को नागवार गुजरी है। डॉक्टरों की संस्था कल्याण ईस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि जब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही थी तो दोषी होने पर जो भी कानूनी कार्यवाही होगी उसका सामना किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं जो गलत है, बच्चे के माता पिता को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टरों की यूनियन ने 3 नवम्बर को कल्याणपुर्व में क्लिनिक और हॉस्पिटल बंद रखे हैं और कैंडल मार्च में डॉक्टरों के विरुद्ध नारे लगाने वालों के खिलाफ कोलसेवाड़ी पुलिस को निवेदन दिया, इसकी जांच पर दोषियों पर पुलिस कार्रवाई करे। वो मैडम ने हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आपको सब बताया कि जो क्या क्या हुआ है पेशेंट के बारे में, लेकिन आज मैं कल क्या हुआ उसके बारे में बताता हूँ। तो कल जो है तो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने जो कैंडल मार्च रखा उन्होंने पहले ये बताया था कि ये लोकशाही मार्च से मोर्चा जाएगा और पुलिस स्टेशन में जाएगा, लेकिन उन्होंने बैनर लगाए यहाँ हमारे चौक में बैनर लगाए क्योंकि वो गलत है और रास्ते से जाते जाते वो डॉक्टर के नाम से घोषणाबाजी कर रहे थे, बैनर लगाए थे डॉक्टर कोकरे है ऐसा बोल बोलना है कि बदनामी किया है, तो बदनामी के बारे में आप क्या करने वाले? बदनामी किया है लेकिन ये जो है सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं है। डॉक्टर जो है प्रेस्टिजियस व्यक्ति होती है समाज में, उनके बारे में कहना, उन्होंने स्कूल के बच्चों को भी उसमें शामिल कर लिया, ये गलत बात है, ये गलत मैसेज जाता है। हम आज जो यहाँ जमा हो गए उसके लिए हम जो प्रवृत्ति है उसका निषेध कर दें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है पेशेंट के जो रिलेटिव उनका कोई कहना नहीं रहता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं इसका फायदा उठा के वो सब समाज को, तो आपको कहना है पॉलिटिकल स्टंट बनाया गया है लोगों ने वैसा लगता है। तो क्वालिफाइड आहे का, त्याची इन्फॉर्मेशन केडीएमसीला दिली आहे का, याचा सगळा तपास करावा, असणारे सीसीटीव्ही फुटेजेस घ्यावे, एकदम कुठल्याही प्रकारचं पालकांकडून तुम्हाला कसलंही टेन्शन होणार नाही। हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नाही म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे? त्यांनी रिपोर्ट, त्यांनी आम्हाला जी माहिती मिळालेली आहे त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, पण दर 3 वर्षांनी त्याचं रिनोव्हेशन करायचं असतं, ते रिनोव्हेशन त्यांनी केलेलं नाहीये। त्यांच्याकडे असणारे जे स्टाफ आहे त्याची इन्फॉर्मेशन केडीएमसी कडे नाही आहे, आणि त्यांच्याकडे जे स्टाफ आहे ते हे नाही आहे का, ते अनक्वालिफाईड आहे, ते प्रूफ आहे विचार, येस देअर इज अ प्रूफ, ते त्यांनी शोधायचं आहे, म्हणून म्हटलं एफआयआर जोपर्यंत पोलीस घेत नाही त्यांना ते राईट्स नाहीत, त्यामुळे त्यांनी एफआयआर लवकरात लवकर घ्यावा, सिव्हिल सर्जनचा रिपोर्ट हवा असेल हरकत नाही, सिव्हिल सर्जनचा रिपोर्ट घ्यावा पण त्याच्या मागे लागून घ्यावा, है की नाही? त्याच्यासाठी पत्रकार आपले जे मित्र आहेत त्यांनी पण जरा थोडंसं सांगावं, एक फ्लॅश न्यूज होऊ द्या, लोकांना कळू द्या, कारण लोक एवढी वैतागलेली आहेत, म्हणजे या हॉस्पिटलना म्हणजे आपणच नाही पोलीस डिपार्टमेंट पण वैतागलेलं आहे, ते म्हणाले ना की तुम्ही आम्ही तुमच्या त्याचं पार्ट आहेत, त्यांची पण मुलं आहेत, ते त्यांना पण नाही सोडत असं आहे, त्यांची फार जबरदस्त मगरुरी चाललेली आहे आणि हे समाजासाठी फार घातक आहे असं आम्हाला वाटतं, म्हणून यासाठी आलेले सगळ्या लोकांचं आम्ही एक
स्वागत करतो आहोत आणि जे काही दोन चार लोकांना बोलायचं आहे त्यांनी